हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम माइक्रोवेव में मूंगफलियों को कैसे रोस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको तीन तरह से मूंगफलियां रोस्ट करना बताऊंगी। नॉर्मल रोस्टेड मूंगफली, साल्टेड रोस्टेड मूंगफली और बेसन वाली रोस्टेड मूंगफली। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बनाते हैं तीनों तरह से मूंगफलियां। तो आइए मेरी किचन में और मेरे साथ मिलकर बनाइए मूंगफली रोस्ट करना। रोस्टेड मूंगफली बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप मूंगफली। इस मूंगफली को हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे बस माइक्रोवेव में, चाहे माइक्रोवेव सेफ प्लेट में या हम इसी प्लेट पर भी इसे यहाँ रख सकते हैं। और सभी मूंगफलियों को बस एक एक रखना है, एक के ऊपर एक नहीं आने चाहिए, ना गीला करना है ना कुछ करना है। बस इसे इस तरह से रखिए और 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कीजिए। और बस जब 2 मिनट हो जाए तो एक बार दोबारा घुमा दीजिए और 1 मिनट के लिए फिर से माइक्रोवेव करेंगे और यह हमारी मूंगफली रोस्ट हो जाएगी। दो मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे एक बार फिर से हिला लेंगे और उसी तरह से सभी मूंगफलियां एक के ऊपर एक नहीं आनी चाहिए और बस 1 मिनट के लिए फिर से माइक्रोवेव करेंगे। 1 मिनट हो चुका है और लगभग हमारी मूंगफलियां सिक चुकी होंगी। अब ये काफी गर्म है, इन्हें अब हम हाथ लगाएंगे तो ये गर्म लगेंगी। वैसे ये देखिए, ये एकदम बढ़िया सिक चुके हैं। और अगर अभी भी आपकी ना सिकी हो तो आप इसे 30 सेकंड्स के लिए और रोस्ट कर सकते हैं। अभी ये गर्म है, जब ये ठंडी हो जाएंगी तो मैं आपको छील कर दिखाऊंगी। 5 मिनट हो चुके हैं और ये थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसको छील कर दिखाती हूँ कि ये कितनी बढ़िया आराम से छिल रही है। आपके मर्जी, अगर आप इसे छील कर रखना चाहते हैं तो इसे छील कर रख लीजिए, और ऐसे ही रखना चाहते हैं तो इसे ऐसे ही रख लीजिए। और अभी आपको पोहे बनाने हो, चटनी बनाने हो, कुछ भी बनाना हो तो इसमें ये आराम से यूज हो सकती है। और फिर साल्टर पीनट बनाने के लिए हमें फिर से एक कटोरी मूंगफली ली है और इसमें डालेंगे पानी। हम पानी इसमें इतना डालेंगे कि ये इसमें भीग जाए अच्छी तरह से। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इससे सारा नमक इन मूंगफलियों पर भी आ जाए पानी में। और अब इसे 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और अब हमारी ये पानी उबलने लगा था, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये काफी गर्म है और इसे हम ड्रेन कर लेंगे। इस पानी को हमें निकाल लेना है, इसमें हमें भिगोना नहीं है इन मूंगफलियों को। अब हमें मूंगफलियों को मैंने ड्रेन कर लिया है, इसे भिगोना नहीं है, इसे बस मूंगफलियों को पानी निकाल देना है। और अब इसे हम एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट में निकाल लेंगे या फिर उसी तरह से उसी अपनी माइक्रोवेव वाली प्लेट पर रख लेंगे और इसे उसी तरह से अलग अलग फैलाएंगे। और अब इसे 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे और फिर 2 मिनट के लिए करेंगे। टोटल मिलाकर के 5 से 6 मिनट में ये मूंगफलियां सिकेंगी। इसे 2-2 मिनट के गैप पे 2-3 बार हिला लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे एक बार इस तरह से फिर से हिला लेंगे। और 1-1 मिनट करके 2-3 बार, जब तक अपनी मूंगफलियां रोस्ट नहीं हो जाती, इसे फिर से चलाएंगे और 2-3 बार इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे 1-1 मिनट के फर्क पर। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने 2-3 बार इसे हिला दिया था और अब ये मूंगफलियां अच्छी तरह से रोस्ट होकर तैयार हो चुकी हैं। अब ये देखिए आराम से चल रही है। ये देखिए, अब ये थोड़ी सी गर्म है, इसे ठंडी होगी तो इसे एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। जब ये ठंडी हो जाएंगी तब इन्हें एक कांच के बर्तन में भरकर रख देंगे। अब हम बनाएंगे बेसन वाली मसाला मूंगफली। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मूंगफली और उससे 1/3 बेसन। और मसालों में हमें चाहिए नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला और अमचूर पाउडर और थोड़ा सा 2 पिंच मीठा सोडा। तेल ऑप्शनल है, अगर हमारा इच्छा हो तो थोड़ा सा हम तेल डालेंगे तो थोड़ी सी क्रिस्पी ज्यादा बनेगी, और ये बिना तेल के भी बन सकती है।
तो हमारी मर्जी है कि हम तेल वाली बनाएं या बिना तेल वाली। तो चलिए शुरू करते हैं बेसन वाली मसाला मूंगफली बनाना। ये हम ये एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे ये 1/3 कप बेसन, इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 ही चम्मच मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, अमचूर और थोड़ा सा चाट मसाला, और बस 2 चुटकी 2 पिंच हमें ये मीठा सोडा लेना है। ये बस मीठा सोडा बस इतना सा लेना है, बहुत ज्यादा मीठा सोडा नहीं डालना है। अब इन मूंगफलियों में डालेंगे पानी, बस इनमें पानी डालकर भिगोना है, इन्हें हमें भिगोना नहीं है, बस सिर्फ गीला करना है। मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें ये भीगी हुई मूंगफलियां डाल देंगे और इसे अच्छे से बेसन को इसके ऊपर कोट करेंगे, क्योंकि ये मूंगफलियां भीगी हुई हैं तो ये बेसन इनके ऊपर अच्छे से कोट हो जाएगा। और अगर ये बेसन अच्छे से कोट ना हो तो हम इसके ऊपर 1 चम्मच पानी, बिल्कुल 1 चम्मच पानी और डाल सकते हैं। इन मूंगफलियों पर ये बेसन अच्छे से कोट हो चुका है, इसमें मुझे 2 चम्मच पानी और डालना पड़ा और अब ये मूंगफलियां अच्छे से कोट हो चुकी हैं। अब हम इसे इसी तरह से रोस्ट करना चाहें तो ये ऐसे भी हो जाएंगी, लेकिन मैं इसमें सिर्फ 2 चम्मच तेल और डाल रही हूँ। 2 चम्मच तेल डालने से ये थोड़ी सी ज्यादा क्रिस्पी बन जाएगी और इसे अच्छे से सारे के ऊपर कोट करेंगे। अब ये तेल भी मूंगफली पर अच्छे से कोट हो चुका है और अब हम इसे एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट में निकाल लेंगे। और इसे बिल्कुल अलग अलग ही रखना है, एक के ऊपर एक नहीं रखनी है, अलग अलग सारी फैला देंगे। अब मैंने इसे प्लेट में बिल्कुल अलग अलग कर लिया है और अब हम इसे माइक्रोवेव में रखेंगे। और इसे 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर माइक्रोवेव करेंगे। चार मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे देखते हैं। अब ये थोड़ी थोड़ी सी सिकी है, अभी हमने इसे एक बार बाहर निकाल कर और इनको तोड़ लेंगे। ये जो अगर आपस में चिपक गई हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं इस स्टेज पर हम। और एक बार इसे पलट कर सभी को, अभी ये गरम है थोड़ी सी, इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। अब मैंने इन सब मूंगफलियों को पलट लिया है और अलग अलग कुछ चिपकी हुई मूंगफलियां थी उनको अलग कर लिया है और अब हम इसे 2 मिनट के लिए और माइक्रोवेव करेंगे। अभी हमारी मूंगफलियां लगभग सिकने को तैयार हैं, 2 मिनट और भी होने वाले हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब तब तक हमारी ये मूंगफलियां बनकर भी तैयार हो चुकी हैं, अब हम इसे बाहर निकाल कर देखते हैं कि ये कैसी बनी है। अब ये काफी गर्म है और ये देखिए कितनी बढ़िया मूंगफलियां बनकर तैयार हो गई है। और हम इसे थोड़ा बहुत तेल में रह गई तो इन्हें ठंडे कर लेंगे और ये खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी है और ये बहुत ही बढ़िया तीनों तरह की मूंगफलियां बनकर तैयार।
देखिए तीनों तरह की मूंगफलियां बनकर तैयार हैं। इन मूंगफलियों को मैंने जो प्लेन रोस्टेड मूंगफलियां थी इनको मैंने छील लिया है और ये कितनी बढ़िया रोस्ट हो गई है। और ये रोस्टेड मूंगफली नमक वाली ये भी खाने में भी इतनी टेस्टी है, और ये बेसन वाली मूंगफली ये भी उतनी ही टेस्टी बनी है, और ये बिना कम तेल बिना घी और माइक्रोवेव में बनकर तैयार हो गई है मिनटों में। और इस तरह से आप भी बनाइए और आगे भी लोगों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।